हेलो फ्रेंड्स, आज हम 32 इंच के लिए कटोरी का नाप कैसे लेते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हमने पेपर लिया है, उसकी डबल फोल्ड कर दी है। अब हम 32 इंच के लिए 1/4 निकालेंगे, यानी कि आ गए 8 इंच। 8 इंच में 1.5 इंच मिलाकर 9.5 इंच की यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पे 9.5 इंच पर। और बाकी का जो 2 इंच का जो हिस्सा है वो हम कटोरी बढ़ाने के लिए फोल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कट कर देते हैं। और ये ऐसा फोल्ड कर देते हैं। अब हम ये जो पट्टी फोल्ड किया हुआ हिस्सा है उस साइड से हम गले का नाप लेंगे। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे, 3.25 इंच शोल्डर, आर्म होल के लिए 6 इंच पर बॉक्स बना देंगे। और इसी बॉक्स के अंदर हमें आर्म होल के लिए नाप लेना है, वो कुछ इस तरह से होगा। नीचे की तरफ से 1 इंच, ऊपर की तरफ से 0.5 इंच। और जो जो भी हिस्सा आएगा उसका हमें आधा हिस्सा लेना है, 4.5 इंच का आएगा, 2.25 इंच। और इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से आर्म होल के लिए राउंड शेप बनानी है। अब गले का नाप लेते हैं। गला है 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच पर एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से। और 1.5 इंच नीचे की तरफ से लेकर गले को आकार भी दे देते हैं। अब हम गले की साइड से 3.5 इंच और आर्म होल की साइड पे 2.5 इंच इस नाप पर क्रॉस पट्टी का आकार देते हैं। अब यहाँ पे 0.5 इंच हमें फिटिंग के लिए छोड़ना है इस तरह से, और ये क्रॉस लाइन बनानी है। अब हम यहाँ से 4.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से आर्म होल से 5 इंच पर, और यहाँ से उसको ऐसा आकार बना देंगे गोल। ये हो गया कटोरी का आकार। अब हम इसे कट कर देते हैं। सब पार्ट्स कट करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब हमने ये जो पट्टी फोल्ड कर दी थी उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, बाहर की तरफ से बढ़ाएंगे और ये नीचे की तरफ से लाइन में फोल्ड कर देंगे इस तरह से। यहाँ इतना हिस्सा जो है हमने वो बाहर की तरफ बढ़ाया है। अब हम दूसरा एक पेपर लेते हैं और उस पर उसको हम बाहर की तरफ से इस तरह आउटलाइन बना देते हैं। अब यहाँ पे हमें कटोरी को बढ़ाना है, जो राउंड शेप है वहां से 1 इंच पर और गले की साइड से 1 इंच पर नाप लेना है। अब यो जो अंतर है उसका आधा हिस्सा हमें लेना है, यानी कि 3 इंच। और यहाँ से हमें 2 इंच पर नीचे की तरफ कटोरी को बढ़ाना है। अब ये दोनों पार्ट्स का अंतर देखना है हमें। यहाँ पे है 3.25 इंच, तो यहाँ पे 4.25 इंच आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा हमें उस तरफ बढ़ाना है इस तरह से। ऐसे ये 3.25 और ये है 4.25। ये हो गया कटोरी बढ़ा के। अब हम इसे कट कर देते। कटोरी कट होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हो गया पहले वाला और ये हो गया बाद में, और इसी कटोरी का हम इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही आसान तरीके से 32 इंच के लिए कटोरी का नाप कैसे लेते हैं वो देखा।